सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Realme XT Pro के बारे में। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि Realme XT इंडिया में 13 सितंबर को लॉन्च होगा और अभी Realme XT Pro का यहाँ पर फर्स्ट लुक निकल के सामने आ चुका है। यार आजकल Realme इतने जल्दी जल्दी अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं ना कि मैं आप लोगों से क्या बोलूँ। तो अभी Realme XT Pro के बारे में कुछ स्पेस निकल के सामने आ चुका है, कुछ फीचर्स भी यहाँ पर निकल के सामने आया है और अभी Realme XT Pro का यहाँ पर फर्स्ट लुक रेंडर निकल के सामने आ चुका है। देखने में ये रेंडर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको Realme के बाकी स्मार्टफोन में कोने में ट्रिपल कैमरा या फिर फोर कैमरा का सेटअप मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको Realme XT Pro में आपको सेंटर में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 64 मेगापिक्सल का। और अभी रिसेंटली में कुछ रिपोर्ट भी निकल के सामने आया था कि जो Realme का XT Pro आएगा इसमें आपको 90 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि अभी आप लोगों को OnePlus के 7 Pro में देखने को मिलता है। तो Realme भी काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च कर रहा है और Realme XT Pro में बताया जा रहा है कि आपको 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले होगा। साथ में यहाँ पर आप लोगों को क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। तो ये जो पहले एक स्पेस सेट निकल के सामने आया था उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लगभग 4500 mAh की बैटरी मिलेगा और क्विक चार्ज का आपको सपोर्ट मिलेगा। ओप्पो का जो वूक चार्जिंग होता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये XT Pro आएगा, अब देखते हैं कि Realme इसे कब लॉन्च करता है, क्योंकि Realme यार काफ़ी फास्ट अपने स्मार्टफोन को आजकल लॉन्च किए जा रहा है। जब Realme का 5 Pro आया था उसके तुरंत बाद Realme ने XT को अनाउंस कर दिया और अभी Realme का XT इंडिया में 13 सितंबर को लॉन्च होगा और अभी Realme का XT लॉन्च होने ही वाला है। तो अभी Realme XT Pro के बारे में भी लीक्स निकल के सामने आ चुका है। मतलब जो लोग Realme के स्मार्टफोन बाय करने का सोचते होंगे उनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि भाई हम लोग थोड़ा दिन रुक जाते हैं, इससे बेहतर स्मार्टफोन हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब Realme का 5 Pro आया था तब सभी लोग Realme XT के लिए इंतजार कर रहे थे, तब Realme 5 Pro को कोई भी बाय नहीं किया। ये सब यही सोच रहे हैं कि Realme का XT जब आएगा तब हम लोग उस फोन को बाय करेंगे और अभी जब Realme का XT इंडिया में 13 सितंबर को लॉन्च होगा तब अब सब Realme XT Pro के लिए यहाँ पर इंतजार करेंगे। तो एटलीस्ट Realme को 3 मंथ का गैप देना चाहिए अपने स्मार्टफोन्स के बीच में ताकि लोग कंफ्यूज यहाँ पर ना हो बाय करने के लिए। लेकिन चलिए अच्छी बात है, अगर प्राइसिंग में वो लोग डिफरेंट रखते हैं तो फिर लोगों को उतना कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही प्राइसिंग के साथ सभी स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जहाँ तक लग रहा है कि जो Realme का XT Pro आएगा ये लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में आने वाला है और डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन है ये Redmi के K20 को टक्कर देने के लिए Realme यहाँ पर लॉन्च करेगा। तो Realme XT Pro का जो लाइव रेंडर है वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक फीचर्स देंगे और जो बैक साइड है वो देखने में काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर लग रहा है। अब आने वाले दिनों में अगर कोई भी अपडेट निकल के सामने आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में अपडेट मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और आप लोगों को ये रेंडर कैसा लगा आप लोग ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।